वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। लिबास है फटा हुआ गुबार में अटा हुआ, लिबास है फटा हुआ गुबार में अटा हुआ, तमाम जिस्म नाजनी छिदा हुआ कटा हुआ, तमाम जिस्म नाजनी छिदा हुआ कटा हुआ। ये कौन ज़ी वक़ार है, बला का शाह सवार है, ये कौन ज़ी वक़ार है, बला का शाह सवार है। कहने कातिलों के सामने डटा हुआ, ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूर ऐन है, ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूर ऐन है, हुसैन है, हुसैन है, ये बिल यकीन हुसैन है, हुसैन है, हुसैन है, नबी का नूर ऐन है, हुसैन है, हुसैन है, नबी का नूर ऐन है। ये कौन हक परस्त है, माए रिजाए मस्त है, ये कौन हक परस्त है, माए रिजाए मस्त है, कि जिसके दब दबे से रंग दुश्मनों का जर्द है, कि जिसके सामने कोई बुलंद है न पस्त है, उधर हजार घात है, मगर अजीब बात है, उधर हजार घात है, मगर अजीब बात है, कि एक से हजार का भी हौसला शिकस्त है, ये दिल यकीन हुसैन है, नबी का नूर ऐन है, ये दिल यकीन हुसैन है, नबी का नूर ऐन है, हुसैन है, हुसैन है, नबी का नूर ऐन है, हुसैन है, हुसैन है, नबी का नूर ऐन है। दिलावरी में फर्द है, बड़ा ही शेर मर्द है, दिलावरी में फर्द है, बड़ा ही शेर मर्द है, कि जिसके दब दबे से दुश्मनों का रंग जर्द है, कि जिसके दब दबे से रंग दुश्मनों का जर्द है, हबीब मुस्तफा है, मुजाहिदे खुदा है, हबीब मुस्तफा है, ये मुजाहिदे खुदा है, ये जबी तो इसके सामने ये फौज गर्द बर्द है, ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूर ऐन है, ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूर ऐन है, हुसैन है, हुसैन है, नबी का नूर ऐन है, हुसैन है, हुसैन है, नबी का नूर उधर सिपाह शाम है हजारों इंतकाम है, उधर सिपाह शाम है हजारों इंतकाम है। उधर है दुश्मनान दी इधर फकत इमाम है, उधर है दुश्मनान दी इधर फकत इमाम है। मगर अजीब शान है गजब की आन बान है, मगर अजीब शान है गजब की आन बान है। कि जिस तरफ उठी है तेग बस खुदा का नाम है, ये बिल यकी हुसैन है नबी का नूर ऐन है, ये बिल यकी हुसैन है नबी का नूर ऐन है। हुसैन है हुसैन है नबी का नूर ऐन है, हुसैन है हुसैन है नबी का नूर ऐन है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم واقع ذنب مني بسرو ساما مدد قبلِ دین مدد کعبِ ایماں مدد بغداد بڑا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ رات پشتی बहक के ख्वाज आए उस्मान हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया खुतबा मखदूना के बाद कुरान मुकद्दस और फुरक़ान हमीद की जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, आइए इससे मुताल्लिक कुछ अर्ज़ो मारूज़ करने से पहले अपनी और सारी कायनात के आका व मौला हम गरीबों के गमगुजार जनाब अहमदी मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाह नाफिदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह बेकस बनाह में झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़ने का नजराना पेश करे। पड़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व असहाबि व बारिक व सल्लि सलातु व सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने आप हज़रात के सामने कल दुरूद पाक पढ़ने की दलील कुरान पाक से साबित कर दी थी और आज दुरूद पाक पढ़ने की फजीलत भी आप हजरात समात फरमा लें। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा किराम से फरमाते हैं कि मेरे सहाबा सुनो, जब कोई बंदा मोमिन सच्चे दिल से मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे के 10 गुनाहों को माफ फरमा देता है। ये सिर्फ एक मरतबा पढ़ने का ये सवाब है, और इतना ही नहीं 10 गुनाह माफ होते और साथ साथ आका फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे पर अपनी 10 रहमतें नासिल फरमाता है। और साथ ही साथ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उस दुरूद पढ़ने वाले बंदे पर उस दुरूद पढ़ने वाले बंदे के 10 दर्जात को बुलंद फरमाता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुरूद पाक पढ़ने की जो फजीलत है वो खुद आपने बयान फरमाई। अब हम जीतना चाहे, अगर हम चाहते हैं कि हमारे गुनाह मिटाए जाए, अगर हम चाहते हैं कि हम पर अल्लाह की रहमत नाज़िल हो, अगर हम चाहते हैं कि हमारे दर्जात को बुलंद किया जाए, तो हम ज्यादा से ज्यादा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की शहादत हासिल करेंगे ना इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो हुसूल बरकत के लिए नबी और आले नबी पर एक मरतबा और बाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ने का नज़राना पेश करो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व असहाबि बारिक सल्लम सलातु व सलाम अलैक या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस्ताद ज़मान जो है अहले बैत अत्हार की शान अतहर में ख़िराज अक़ीदत पेश करते हुए कुछ यूं अशआर अर्ज करते हैं कि बाग जन्नत के हैं बहर मदहा खान अहले बैत, बाग जन्नत के हैं बहर मदहा खान अहले बैत और तुमको मुस्ता नार का एक दुश्मनान अहले बैत, तुमको मुस्ता नार का एक दुश्मनान अहले बैत और उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयान, उनकी पाकी का जिनकी पाकी अहले बैत पाक अत्हार की पाकी, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयान। आए तत्हीर से जाहिर है शान अहले बैत और जिनके घर में बेइजाजत जिब्राइल भी आते नहीं। जिब्राइल कौन है? फरिश्तों के सरदार, जिसे कहीं जाना हो तो किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, लेकिन जिब्राइल भी जो है दर फातिमा पर जाकर के ठहर जाते हैं। ये दर वो दर है कि जहां जिब्राइल को भी ठहरना पड़ता है, ये दर वो दर है कि जहां जिब्राइल को भी साईं बनकर फकीर बनकर मांगने के लिए आना पड़ता है। ये दर मां खातून जन्नत का दर है। तो वो क्या अर्ज करते हैं शायर कि जिनके घर में बे इजाजत जिब्राइल भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। और आखिर में अर्ज करते हैं कि बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ए हसन, बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ए हसन, यूं कहा करते हैं आशिक दास्तान अहले बैत, यूं कहा करते हैं आशिक दास्तान अहले बैत। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया खुतबा मसनात के बाद कुरान मुक़द्दस सफ़ुर्क़ान हदीद की सूरह अहज़ाब की एक आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम पाक कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज़ अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। इसका तर्जुमा यह है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तो यही चाहता है ए अहले बैत, ए नबी के घर वालों, कि तुमसे हर एक नजीस और हर एक नापाकी को बिल्कुल दूर कर दिया जाए, वो युतहिरकुम तत्हीरा, और तुम्हें बिल्कुल पाक और साफ सुथरा कर दिया जाए। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया इस आयत करीमा के अंदर आप गौर फरमाएं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा के अंदर अहले बैत का जिक्र फरमाया है। लफ्ज़ अहले बैत जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत करीमा के अंदर फरमाया है। तो अब सबसे पहले हमें इस बात को समझना होगा, ये बात हमारे लिए जानना जरूरी है कि अहले बैत से मुराद कौन है, अहले बैत से मुराद किन हजरात को लिया जा रहा है और इस आयत करीमा के अंदर किन हजरात को अहले बैत से मुंतखब किया गया है और किसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है कि अहले बैत नबी के घर वालों कि तुमसे नापाकी और नजासत को दूर कर दिया गया है और तुम्हें पाक और साफ सुथरा कर दिया गया है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने किनकी पाकी का जो है इस आयत करीमा के अंदर तज़किरा फरमाया है, सबसे पहले हमें इस बात को समझना होगा। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आइए मैं आप हजरात को बताता चलूं कि अहले बैत से मुराद कौन है। अहले बैत अतहार जो है कि जिनकी पाकी का खुदाए पाक कुरान मजीद के अंदर जिनकी पाकी का तज़किरा फरमाता है, अल्लाह तबारक ताला ने उनकी शान को कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया है। आखिरकार अहले बैत कौन है कि जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं आप हजरात के सामने बताता चलूं कि जब ये आयत करीमा नाज़िल हुई, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जब अल्लाह तबारक व तआला का ये पैगाम लेकर के आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, तो उस वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आप अपनी सोचा हजरत उम्मे सलमा के घर आप आराम फरमा रहे थे और खुद जो है इस बात की इस हदीस पाक की इसकी रावी जो है वो उम्मुल मुमिनीन मां उम्मे सलमा जो है इस हदीस इसकी रावी है। आप खुद रिवायत करती हैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर पर आराम फरमा रहे थे जब हुजूर पर ये वही नाजिल हुई, जब जिब्रील अलैहिस्सलाम इस वही को लेकर के हाजिर हुए और आपने ये आयत करीमा पढ़ी, अल्लाह तबारक व तआला का ये पैगाम आप तक जब पहुंचाया गया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आप जो है उठ जाते हैं, बेदार हो जाते हैं और आप जो है मेरे हुजरे से बाहर ले जाते हैं, मेरे हुजरे से बाहर तशरीफ ले जाते हैं। ये कौन कह रहा है? ये उम्मुल मुमिनीन मां उम्मे सलमा कह रही है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आप फौरन बेदार होकर मेरे हुजरे मेरे कमरे से बाहर तशरीफ ले जाते हैं और जैसे ही बाहर तशरीफ ले जाते हैं मुझे तजस्सुस हुआ, मैंने सोचा कि आखिरकार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मेरे आका इतनी जल्दी जल्दी बाहर क्यों तशरीफ ले जा रहे हैं। और इसी तजस्सुस के अंदर मैं भी जो है हुजूर के पीछे पीछे चलने लगी। मैं क्या देखती हूँ कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है तेज तेज जो है आप चल रहे हैं, जल्दी जल्दी जो है आप चल रहे हैं और आप जो है हजरत सैयदा कायनात मां खातून जन्नत सैयदा मां फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर के पास तशरीफ ले जाते हैं और उसके बाद मां खातून जन्नत के घर बाहर जो है खड़े होकर के आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आप फरमाते हैं अय्ना अली, यानी अली कहां है। हजरत मौला अली जो है लब्बैक कहते हैं कि लब्बैक या रसूलल्लाह, ये अल्लाह के रसूल में हाजिर हूं। उसके बाद आका फरमाते हैं अय्ना फातिमा, फातिमा कहां है। सैयदा कायनात लब्बैक कहते हुए हाजिर हो जाती है कि ए अल्लाह के रसूल मैं हाजिर हूं। उसके बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक हाथों के अंदर, अपने नुरानी हाथों के अंदर, अपने मुकद्दस गोद के अंदर हसनैन करीमें यानी इमाम हसन मुश्तबा और इमाम हुसैन पाक अलैहिस्सलाम को जो है अपने मुबारक हाथों के अंदर उठा लेते हैं और उन मुबारक हाथों में उठाने के बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अब अपने मुकद्दस चादर और मुबारका को निकालते हैं, वो मुबारक चादर कि जिसे मुसम्मिल और मुदस्सिर कहा जाता है, वो काली कमली वो मुबारक चादर जो है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकालते हैं और उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मुबारक चादर को अपने सर अनवर पर रखते हैं, सैयदाए कायनात मां खातून जन्नत के सर पर रखते हैं, हजरत सैयदा मौला अली के सर पर रखते हैं, हसनैन करीमैन को जो है अपनी गोद में उठा करके उनके सर अनवर पर उस चादर को रखते हैं और उसके बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उम्मे सलमा ये सब माजरा जो है अपनी आंखों से देख रही है। उम्मे सलमा खुद रिवायत करती है कि मैं अपनी आंखों से इस पूरे माजरे को देख रही हूँ कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उस चादर मुबारका को निकाल करके उसके अंदर अब पंचेतन पाक जो है वो जमा हो चुके हैं, पंचेतन पाक इकट्ठा हो चुके हैं। उस मुबारक उस मुसम्मिल मुदस्सिर चादर के नीचे जो है अब वो पांचों तन जो है इकट्ठा हो गए। जब वो पांचों तन इकट्ठा हुए, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों को बुलंद किया और ऊंचा किया और उसके बाद मुबारक हाथों को बुलंद करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हुजूर ये दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा हाउला या अहले बैती, कि मेरे परवरदिगार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन मुकद्दस चादर के अंदर पांचों तन को लेकर फिर से दुआ करने लगते हैं, ये मेरे परवरदिगार, ये मेरे अहले बैत है। और उसके बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये इल्तिजा और दुआ करते हैं, ये मेरे परवरदिगार तू इनसे मोहब्बत फरमा और जो इनसे मोहब्बत करे तू उनसे मोहब्बत फरमाना और जो उनसे बुग़्ज़ और कीना रखे तू भी उनसे बुग़्ज़ और अदावत रखना। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो पता ये चलता है कि अहले बैत से मुराद कौन है। अहले बैत से मुराद कोई और नहीं है बल्कि अहले बैत से मुराद जो है हजरत मौला अली मुश्किल कुशा मां खातून जन्नत सैयदना फातिमा ज़हरा, हजरत सैयदना इमाम हसन पाक अलैहिस्सलाम और सैयद शोहदा सैयदना इमाम हुसैन पाक अलैहिस्सलाम और क़यामत तक के जितने भी आपकी आल और औलाद होगी वो तमाम की तमाम अहले बैत के अंदर शुमार की जाएगी। तो अहले बैत की शान बड़ी ही निराली है, अहले बैत की अज़मत बहुत ही आला है, उनका मकाम और मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत ही बुलंद वाला फरमाया है। और जिनकी बाकी खुद अल्लाह तबारक व तआला बयान करता हो कि हमारे पास तो ज़बान नहीं है लेकिन हम अपने अंदाज के अंदर जितना हमसे हो सकता है हम कोशिशें करते हैं, लेकिन हकीकी जो उनकी शान और मर्तबा है वो तो अल्लाह और उसके रसूल ही जानते हैं। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो अब पता नहीं चला कि ये जो पंचेतन पाक है यही अहले बैत है और पंचेतन पाक की जो औलाद जो क़यामत तक इस दुनिया के अंदर आने वाली है जिन्हें सादात कहा जाता है वो भी अहले बैत के अंदर शुमार की जाती है। ये बात हमेशा याद रखना कि सादात जो है वो भी अहले बैत के अंदर शामिल है। कोई हजरात सादात को जो है वो कोई कमतर न समझे बल्कि वो भी पंचेतन पाक ही के आदमी से है और उनकी भी जो है शान और अज़मत अल्लाह और उसके रसूल ने बहुत से हदीस मुबारका के अंदर जो है वो बयान फरमाई है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब आइए सबसे पहले पंचेतन पाक अलैहिस्सलाम की शान में सबसे पहले हजरत मौलाए कायनात शेर खुदा मुश्किल कुशा अल्लाह ताला वजहुल करीम की शान अज़मत जो है मैं आप हजरात के सामने कुछ यूं बातें आप हजरात के सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं कि हजरत सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा आपकी सखावत, आपकी शुजाअत जो है पूरी दुनिया के ऊपर जो है वो जारी है और आपकी शुजाअत का डंडा, आपकी बहादुरी और आपकी ताकत का डंडा जो है पूरी दुनिया के अंदर बजता है। फिर पूरी दुनिया के अंदर कोई ऐसा पहलवान नहीं आया जो हजरत अली का मुकाबला कर सके। अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा को वो ताकत और कुव्वत अता फरमाई है कि अल्लाह तबारक व तआला ने खुद हजरत अली को अपना शेर कहा है, से शेर खुदा कहा जाता है, वो हजरत अली की जात है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे जवानों, हजरत अली की शान क्या है? हजरत अली वो है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अली वो है कि जिसे पुल सिरात के अंदर वो जिसे चाहेगा उसे जो है वो चिट्ठी देगा और जिसे वो चिट्ठी देगा वही उस पुल सिरात का रास्ता पार कर सकेगा। पुल सिरात का रास्ता ऐसे ही पार नहीं हो जाएगा। ये हदीस मुबारक से साबित है कि जिसे हजरत अली जो है वो चिट्ठी देंगे, इजाजत देंगे, वही सिर्फ उस सिरात का रास्ता जो है वो पार कर सकेंगे। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाते हैं कि हजरत अली वो है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसे हजरत अली को ऐसी ताकत और कुव्वत अता फरमाई है कि वो जिसे चाहे उसे जन्नत में जो है भेजेंगे और जिसे चाहे उसे जहन्नम के अंदर दाखिल करेंगे। ये हजरत अली को जो है कासिमुल जन्नत व नार, यानी हजरत अली को जन्नत और जहन्नम का जो है वो तकसीम करने वाला ये खुद अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें ये ताकत और कुव्वत अता फरमाई है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसीलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा है। शायर कहता है कि मेहराब पे अली है तो मिंबर पे भी है अली, मेहराब पे अली है तो मेंबर पे भी है अली, हिजरत की शब रसूल के बिस्तर पे भी है अली, जन्नत अली की मिल्क है कौसर पे है अली, जन्नत अली की मिल्क है कौसर पे है अली, हर जहां अली मिलेंगे के दामन बचाइए, और अली से बचना हो हर जहाँ अली मिलेंगे, या दामन बचाइए अली से अगर बचना हो तो जहन्नम में जाइए। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत अली की शान ये है कि आप जिसे चाहेंगे जन्नत में दाखिल फरमाएंगे और जिसे चाहेंगे जहन्नम में भेज देंगे। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आइए मैं आप हजरात को जो है हजरत अली की विलादत का जो वाकया है बड़ा ही दिलचस्प वाकया है, मैं आप हजरात को सामने वो वाकया रखता चलूं कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप हजरात अंदाजा लगाए कि हजरत अली की विलादत कैसे जो है, हजरत अली की जब विलादत होती है तो वो कहीं और पर नहीं बल्कि खाना काबा के अंदर हजरत अली की विलादत होती है। आप हजरत देखें, आप हजरत गौर करें, अगर कोई बच्चा इस दुनिया के अंदर आता है तो वो किसी हॉस्पिटल के अंदर या फिर अपने घर के अंदर जन्म लेता है या किसी और जगह पर उसके जो है जन्म होता है। लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत अली की शान ये है कि जब आपकी विलादत का वक्त आता है, आपके वालिदा माजिदा हजरत फातिमा बिन्त असद सल्लल्लाहु अलैहा आप फरमाती है कि मैं जो है जब उस वक्त जो है खाना काबा का तवाफ कर रही थी, खाना काबा के तवाफ में मशगूल थी कि उसी वक्त जो है दर्द से उठता है, बस में दर्द से उठने लगता है, मैं जो है वो मैं जो है घबरा जाती हूँ और सोचने लगती हूँ कि आखिरकार ऐसे वक्त में जो है अब मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ। बस इतना सोच रही थी कि एक गैर से एक निदा आई, ये फातिमा बिन्त असद तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, ये फातिमा बिन्त असद तुम्हें जो है किसी तरह कोई जो है घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आने वाला बच्चा जो है वो कोई मामूली बच्चा नहीं है, बल्कि आने वाला बच्चा अल्लाह का महबूब बंदा है, और आने वाला बच्चा जो है वो शेर खुदा है। और उसके बाद बस ये सुनना था, हजरत फातिमा बिन्त असद कहती है कि मैं भी सोच रही थी कि मैं अब कहाँ जाऊं कि इतने के अंदर जो है एक निदा आती है, ये फातिमा बिन्त असद जो है तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद गैब से जो है निदा आने के बाद मैं देखती हूँ कि काबतुल्लाह की एक दीवार जो है वो फट जाती है, और जैसे ही दीवार फटती थी और मैं जो है एक निदा गैब से निदा आई, एक आवाज आई, और उस आवाज के अंदर मैंने सुना ये फातिमा बिन्त असद तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम जो है खाना काबा के अंदर दाखिल हो जाओ। हजरत फातिमा बिन्त असद कहती है जैसे ही मैं खाना काबा के अंदर दाखिल हुई कि हजरत अली जो है इस दुनिया के अंदर तशरीफ ले आए। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, खाना काबा अल्लाह का वो मुकद्दस घर कि दुनिया का हर एक मुसलमान उस मुकद्दस घर का तवाफ करने की जो है ख्वाहिश करता है, तमन्ना होती है कि काश पूरी जिंदगी में कम से कम एक बार उस मुकद्दस घर की ज़ियारत हो जाए, उसका तवाफ हो जाए। लेकिन हजरत अली की शान पर कुर्बान जाए कि हजरत अली की शान ये है कि आपकी विलादत उस मुकद्दस घर के अंदर होती है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये हजरत अली की शान है। और आइए उनके बहुत सारी बेशुमार जंगों के अंदर हजरत अली जो है शामिल हुए, और जिस जंग के अंदर हजरत अली जो है शामिल होते थे अल्लाह तबारक व तआला हजरत अली के हाथों पर फतह लिख देता था, और हजरत अली को जो है वो अल्लाह कामयाबी दे देता दिया करता था। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, में उसी जो एक शुजाअत का, बहादुरी का जो एक वाकया है वो मैं आप हजरात के सामने रखता चलूं। हजरत मोहम्मद बिन इसहाक आप फरमाते हैं, और ये वाकया मैं जंगे खंदक का वाकया आप हजरात को सुनाने लगा हूं। जंगे खंदक का वाकया कि जब जंगे खंदक का जब वाकया हुआ, चारों तरफ से काफिरों ने मुसलमानों को घेर करके रख दिया था, और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा किराम को लेकर के आप एक मकाम पर इकट्ठा हुए थे, जमा हुए थे, और चारों तरफ से जो है खंदक को खोद करके रख दिया था ताकि कोई काफिर जो है उन्हें तकलीफ न दे सके। जब जंगे खंदक का वाकया हुआ तो मोहम्मद बिन इसहाक फरमाते हैं कि उस दिन अमर बिन अब्देवोद नाम का एक बदबख्त जो है वो मैदान जंग के अंदर आया, और अमर बिन अब्देवोद के बारे में बताया जाता है कि वो जो बदबख्त इंसान, जो इतना जो है ताकतवर इंसान था कि वो इंसान अकेला 1000 के मुकाबले में वो अकेला गिना जाता था, यानी उसके सामने अगर 1000 भी आ जाए तो वो अकेला उन्हें काफी हो जाया करता था। और वो अर्थ करते हो, फरमाते हैं कि जब वो अमर बिन अब्द हुद नाम का शख्स जो है जब मैदान जंग के अंदर आया तो देखने वालों ने देखा कि वो पूरा का पूरा जो है उसके ऊपर लोहे की सर उसने पहनी हुई है, यानी पूरा लिबास जो है वो लोहे का पहना हुआ है, सर से लेकर पांव के नाखून तक पूरा लोहे से जो है अपने आप को ढांक करके रखा हुआ है। और फिर वो इससे जो है इस तरह से जंग के मैदान में आकर के जो है मुसलमानों को ललकारता हुआ कहता है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता है कि तुम्हारे अंदर कोई है ऐसा कि जो मुझसे मुकाबला करने के लिए आए। अब आप हजरात गौर फरमाना, हजरत अली की शान क्या शान है। हजरत अली को अल्लाह तबारक व तआला ने कैसा मकाम, कैसी ताकत और कुव्वत अता फरमाई है। जब उस बदबख्त अमर बिन अब्द हुद ने जब ये बात कही कि है कोई तुम में से ऐसा कि जो मुझसे मुकाबला करने के लिए आए, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हजरत अली जो है हाजिर होते अर्ज करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बाबा पर कुर्बान हो जाए कि या रसूलल्लाह आप मुझे इजाजत दीजिए कि मैं इस काफिर को जहन्नम के अंदर पहुंचा दूं। हजरत अली की बात सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं ये अली बैठ जाओ। और उस वक्त हजरत अली की उम्र शरीफ सिर्फ 13 या 14 साल की बताई जाती है। तारीख के अंदर ये वाकया मौजूद है कि उस वक्त हजरत अली की उम्र जो है सिर्फ 13 या 14 साल की उम्र शरीफ थी जिस वक्त ये खंदक का वाकया पेश आया। हजरत अली ने जब इजाजत तलब की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो हुजूर ने कहा कि नहीं ये अली बैठ जाओ, ये अमर बिन अब्द हुद है। हजरत अली बैठ गए। फिर उसके बाद उस बदबख्त अमर बिन अब्द हुद ने, उस काफिर ने फिर से दोबारा जो है मुसलमानों को ललकारते हुए कहा कि मुसलमानों, क्या तुम में से कोई ऐसा नहीं है कि जो मेरे मुकाबले में आ सके? और जिस जिन्नत की तुम बात करते हो कि जो जंगे मैदान जंग के अंदर जो कत्ल किया जाता है उसे डायरेक्ट जन्नत मिल जाती है, तो आओ मैं जो है उसे तुम्हें जो है उसे कत्ल करके तुम्हें जन्नत में पहुंचाना चाहता हूँ। बस ये इतना जो है उस बदबख्त ने अपने इसमें लहजे के अंदर, अपने कड़वे लहजे में मुसलमानों को और इस्लाम को जो है ऐसी बात, ऐसी ठेस पहुंचाने वाली जब बात कही, हजरत अली जो है खड़े हुए। हजरत अली ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुझे इजाजत दीजिए कि मैं इस बदबख्त को जहन्नम के अंदर पहुंचा दूं। हजरत अली की बात सुनकर फिर से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं ये अली बैठ जाओ, ये जो है आने वाला शख्स कोई और नहीं है बल्कि ये अमर बिन अब्द हुद है। हजरत अली दूसरी मरतबा बैठ गए। और उसके बाद रावी कहते हैं जब तीसरी मरतबा उस बदबख्त ने अमर बिन अब्द हुद ने कुछ ऐसे शेर पढ़े कि जो इस्लाम के और इस्लाम के खिलाफ कुछ ऐसे अशआर पढ़े, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उस बदबख्त ने तौहीन और गुस्ताखी की, तो हजरत मौला अली जो है आप छलांग के आलम में आ गए और फिर खड़े हो गए। और हजरत अली जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर के अर्ज करते हैं कि अल्लाह के रसूल आप मुझे इजाजत दे दे कि मैं उस बदबख्त को जो है उसे कत्ल करके जहन्नम के अंदर रसीद कर दूं। हजरत अली की बात सुनकर हुजूर ने फरमाया, ए अली बैठ जा, ये अमर बिन अब्द हुद है। हजरत अली ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहे अमर ही क्यों ना हो लेकिन उसके बावजूद भी आप मुझे इजाजत दे दीजिए कि मैं इस बदबख्त को जो है कत्ल करके उसे जहन्नम में पहुंचा दूं। जब आका करीम ने देखा कि अली जो है अब रुकने वाले नहीं है, तो आका करीम ने अपनी मुबारक जो है अपनी मुबारक तलवार जिसे जुल्फ़िकार हैदरी कहा जाता है वो जुल्फ़िकार हजरत अली के हाथों में दे दी। और उसके बाद हजरत अली को जो है वो कहा, ए अली जा, अल्लाह तुझे कामयाब करे। और जुल्फ़िकार हजरत अली के हाथ में देने के बाद अल्लाह ताला की बारगाह में एक दुआ की, ए अल्लाह ताला आज जो है मैंने अली को भेजा है, तू जो है अली को कामयाब करके लौटाना, ए अल्लाह तू अली को कामयाब कर दे। जब हजरत अली जो है मैदान जंग के अंदर पहुंचते हैं, क्या देखते हैं? वो अमर बिन अब्द हुद वो बदबख्त देखता है कि एक छोटा सा बच्चा, 13 या 14 साल का बच्चा जो है मेरे सामने खड़ा है, मुझे ललकार रहा है। और फिर हजरत अली उस बदबख्त से कहते हैं कि अमर आज मुकाबले के लिए मैं तेरे मुकाबले में आया हूं। जब उस बदबख्त ने सुना तो वो कहने लगा कि अरे तू तो एक छोटा, मुझे छोटा बच्चा नजर आ रहा है कि तू मेरा क्या मुकाबला कर सकता है? जा किसी ऐसे को भेज कि जो मुझसे मुकाबला कर सके सही मायने में। हज़रत अली ने कहा कि तू मुझे छोटा ना समझ, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। और हैदर का माना क्या है कि जो पलट पलट कर बात करता है उसे हैदर कहा जाता है। हज़रत अली कहते हैं तो मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। हैदर अमर बिन अब्दुल कहता है कि मैं तेरा खून बहाना जो है वो तेरा खून बहाना ये जरूरी नहीं समझता, लेकिन हजरत अली जो है पलट कर जवाब देते हैं ये बदबख्त, लेकिन मैं तो जो है ये जरूरी समझता हूँ कि मैं तुझ जैसे बदबख्त को जो है इस तुझ जैसे काफिर को जहन्नम के अंदर पहुंचा दूँ। बस इतना हजरत अली ने कहा कि वो बदबख्त अमर बिन अब्दुल जो था हजरत अली की बात को सुनकर दिल मिला उठा और गुस्से में आ गया। लिखने वाले लिखते हैं, रावी रिवायत बयां करते हैं कि उस अमर बिन अब्दुल जो सर से लेकर बाम तरफ जो है पूरा का पूरा लोहे के सर पहने हुआ था, लोहे का लिबास पहना हुआ था, वो बदबख्त जो है अपने घोड़े को दौड़ा करके मैदान जंग के अंदर आ जाता है और हजरत अली से जो है वो जंग करने लगता है, हजरत अली पर वार कर देता है और कुछ देर तक जो है आपकी जंग जारी रहती है। एक तरफ वो अब्दुल जो है वो बदबख्त वार करता है, सामने हजरत अली जो है उसके वार का जवाब देते हुए पलटवार करते हैं और दावी बयां करते हैं। उस बदबख्त ने एक ऐसा जबरदस्त वार किया कि मौला अली जो है उसका वार जब रोकने के लिए गए तो हजरत अली जो है उसका वार रोकते हुए जब रोकने गए तो उस बदबख्त का वार जो है हजरत मौला अली के शान मुबारक पर यानी के कंधे मुबारक पर लग गया। जब हजरत अली की शान मुबारक पर कंधे मुबारक के ऊपर उस अमर बिन अब्दुल नामी शख्स का उस बदबख्त का जब वार लगा तो रावी लिखते हैं कि हजरत अली जो है इतने जलाल में आ गए कि अल्लाह अकबर, हजरत अली ने जुल्फ़िकार हैदरी को हवा में लहराया और बस हवा में लहराना था कि जुल्फ़िकार हैदरी जो है इस तरह से उस अमर बिन अब्दुल वुद के ऊपर गिरी जैसे कि अल्लाह की कहर जो है अल्लाह का कहर बिजली बंद करके उस अमर बिन अब्दुल वुद पर गिर रहा है। रावी लिखते हैं कि उस अमर बिन अब्दुल वुद ने जिसने पूरा लिबास उसने जो है लोहे का पहना हुआ था उसका लिबास तो है हजरत अली की उस एक वार से उसके दो टुकड़े हो गए और उसके दोनों टुकड़े जो है जमीन के ऊपर गिर गए। हजरत अली ने एक ऐसा वार किया कि उसके दो टुकड़े होकर वो अमर बिन अब्दुल जो है जमीन के ऊपर गिर गया। जब नारे तकबीर बुलंद हुआ आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे पहले जो दुआ कर रहे थे आकाए करीम ने क्या फरमाया, ए अल्लाह आज कुल्ले कुफ्र जो है आज कुल्ले ईमान जो है वो कुल्ले कुफ्र से लड़ने के लिए गया है, यानी कुल्ले ईमान से मुराद हजरत अली को लिया गया है। कुल्ले ईमान से याद रखना कुल्ले ईमान से मुराद हजरत अली की जात को लिया गया है। जब आकाए करीम ने और सहाबाए किराम ने जब नारे तकबीर की आवाज को सुना तो हजरत अली जो है बताया चला कि हजरत अली ने जो है जंगे खंदक को फतह कर दिया है। और मेरे अजीज दोस्तों जब जंगे खंदक फतह हुई तो खंदक का हर एक जर्रा जर्रा बज़ुबाने हाल ये बोलने पर मजबूर हो गया, बज़ुबाने हाल जो है ये बोल रहा था कि शाह मर्दा शेर यस्ता कुव्वते परवरदिगार, शाह मर्दा शेर यस्ता कुव्वते परवरदिगार, ला फतह इल्ला अली वला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। हर एक जर्रा जर्रा ये कहने पर मजबूर, ये कहने लगा कि हजरत अली अल्लाह तबारक व तआला के शेर है और हजरत अली की तरह कोई जवान कोई बहादुर नहीं है और ना तो जुल्फ़िकार हैदरी की तरह कोई तलवार है पूरी दुनिया के अंदर। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया ये मौला अली की ये शान है कि आपने इतनी कम उम्र के अंदर ऐसे वाकया ऐसे जो है जंग के अंदर आप शामिल हुए हैं जिस जंग के अंदर हजरत अली जो है छाया करते थे, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जो है फतह नसीब फरमाया करता था, उन्हें कामयाब बना दिया करता था। चाहे जंगे खैबर हो, चाहे जंगे ओहद हो, चाहे जंगे बद्र हो, चाहे जंगे खंदक हो, कोई भी जंग हो हर एक जंग के अंदर हजरत अली जाते थे और फतेह होकर के वापस लौट आया करते थे। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे ये हजरत अली की शान है, ये इमाम अली मकाम इमाम हुसैन के बाबा की शान है। अब आइए मैं आपको हजरत इमाम अली मकाम हसनैन करीमैन की वालिदा माजिदा सैयदा कायनात मां फातिमा जन्नत सैयदा मां फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शान और उनकी अज़मत कुछ बातें जो कि वक्त की किल्लत है। हजरत सैयदा कायनात मां फातिमा जन्नत सैयदा मां फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शान ये शान है कि जिनके बारे में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल फातिमतु बुदहतु मिन्नी, फातिमा मेरी जिगर का टुकड़ा है। अब मैं यहां पर एक पॉइंट की बात आप हजरात के सामने रखता चलूं कि तमाम मुफस्सिरान, तमाम उलमा और सबका इस बात पर इजमा है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जमीन के अंदर मदफन किए गए, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जिस्म से जो मिट्टी मस्त हो गई यानी लग गई, उस मिट्टी की शान यह बताती है कि वो अर्श आजम से भी आला उसकी शान कर दी जाती है। तो जो मिट्टी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से मिल जाए, उसके शान आजमत का आलम यह है कि वो मिट्टी जो है अर्श आजम से भी आला हो जाती है। तो जो सैयदा कायनात के जिनके बारे में आका फरमाते हैं कि फातिमा मेरी जिगर का टुकड़ा है, तो उनकी शान और आजमत का आलम क्या होगा, उनकी शान, उनका मकाम, उनका मर्तबा कितना बुलंद बाला होगा। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया और हज्जुल मतालिब के अंदर हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं और हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से हम सब के पीर पिरान पीर रोशन ज़मीर सैयदना शेख मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी सरदार मुफ्ती आज़म रज़वी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप आगे इस हदीस मुबारका को जो है आपसे रिवायत करते हैं कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब उनका खमीर जब तैयार किया, जब उन्हें बनाया गया, उन्हें उनकी तखलीक फरमाई गई और आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म के अंदर जब रूह फूकी गई तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब पहली अंगड़ाई ली, अंगड़ाई लेने के बाद जब आपने दाहिनी तरफ देखा, दाहिनी तरफ देखा तो क्या देखते हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पांच अजसाम, नूरानी अजसाम, पांच नूरानी अजसाम जो है अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, उसके बारगाह में रुकू और सजदा कर रहे हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज करता है परवरदिगार कि तूने मुझसे पहले भी मेरी कैफियत और मेरी जो है हैयत के ऊपर किसी को बनाया है। अल्लाह ताला फरमाता है नहीं ए आदम, ने तुझसे पहले तेरी कैफियत और तेरी हैयत के ऊपर किसी को नहीं बनाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम फिर अर्ज करते हैं परवरदिगार, तो ये जो मैं पांच अजसाम जो देख रहा हूँ, मेरे सामने जो नूरानी पांच अजसाम जो है, बस इतना कहना था। अल्लाह तबारक व तआला कहता है आदम रुक जा, ये जो पांच अजसाम जो तेरे सामने जो तू देख रहा है अपने निगाहों से, मैंने इन्हें तेरी हैयत पर नहीं बनाया, मैंने इन्हें कैफियत पर नहीं बनाया, इनका जिस तरह तुझे बनाया गया है मैंने इस तरह से इन्हें नहीं बनाया, बल्कि आदम सुन, मैंने तो तुझे अभी तखलीक किया है, मैंने तो तुझे अभी बनाया है और इन पांच अजसाम को तो जो है मैंने कई हजार सालों पहले जो है मैंने इनकी तखलीक फरमाई है और मैंने अपने नूर से इनके नूर को बनाया है। ए आदम, मैंने उनको जो है तेरी तरह नहीं बनाया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से फिर उसके बाद जो है हजरत आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला फरमाता है कि ए आदम, मैंने जो है ये जो चांद सूरज जो है, जमीन और आसमान, पहाड़ समंदर दरिया, सब कुछ जो है इन्हीं पांच अजसाम के सदके में बनाया है। और उसके बाद हजरत हुज़ूर गौसेपाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप इस रिवायत को आगे बढ़ते हुए आप बयां फरमाते हैं कि हजरत जिब्राइल हजरत जो है आदम अलैहिस्सलाम ने जब ये पूछा, जब अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि ए आदम सुन, मैंने इन पांच अजसाम को जो है अपने नामों में से नाम दिए हैं, मैंने इन पांच अजसाम को अपने नामों में से नाम दिए हैं। फिर उसके बाद अब अल्लाह तबारक व तआला जो है आदम अलैहिस्सलाम से कहता है कि आदम सुन, मैं महमूद हूं और ये मोहम्मद है, मैं महमूद हूं और ये मोहम्मद है। और उसके बाद अल्लाह तआला फरमाता है ए आदम सुन, ये अली है और मैं आली हूं, मैं आली हूं और ये अली है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है मैं फातिर हूं और ये फातिमा ज़हरा है। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है मैं हसन हूं और ये हसन है। और फिर आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है ये आदम सुन, ये मैं मोहसन हूं और ये हुसैन है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अंदाजा लगाए हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तखलीक से कई हजार साल पहले भी जो है पंचतन पाक अलैहिस्सलाम की तखलीक फरमा दी गई थी और पंचतन पाक अलैहिस्सलाम जो है अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें अपने नूर से बनाया है। हज़रत पाक अलैहिस्सलाम की शान और उनकी अज़मत जो है बहुत ही बुलंद वाला है। हज़रत सैयदा कायनात मां खातून जन्नत मां फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा की शान और अज़मत बयान करते हुए इमाम हाकिम मुस्तदरक किताब मुस्तदरक के अंदर इमाम हाकिम ये बात लिखते हैं कि जब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, एक आपके इस बात पर नकल फरमाते लिखते हैं कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा सल्लल्लाहु अलैहा आप रिवायत करती है कि मैंने बार बार देखा है कि जब कभी माँ खातून जन्नत सैयदा मां फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए आती थी तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपनी मस्जिद से खड़े हो जाया करते थे। आप हजरात अंदाजा लगाएं, गौर करें, अगर कोई बड़ा अफसर कोई बड़ा मंत्री जो है अगर किसी जगह पहुंचे तो उसकी ताज़ीम के लिए उसकी जो है इज्जत के लिए सब लोग खड़े होते हो, लेकिन कुर्बान जाए सैयदाए कायनात की शान और अज़मत के ऊपर कि जिनके आने पर सैयदुल अंबिया खड़े हो जाते हैं, तमाम अंबियों के सरदार खड़े हो जाते हैं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है कि मैंने कई बार देखा जब माँ फातिमा ज़हरा आती है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते हैं और खड़े होने के बाद माँ खातून जन्नत के हाथ को बोसा देते हैं, पेशानी को बोसा देते हैं और कहते हैं कि फिदा के अभी उम्मी या उम्मी या फातिमा, ए फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। कितनी शान है। देखिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा रहे हैं कि फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। अब उनकी शान और अज़मत हम कैसे अंदाजा लगा सकते हैं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों। अब आखिर में बस मैं आप हजरात के सामने बस एक आखिरी रिवायत जो है रख करके अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। सादात बिल किराम का ये हवाला आप हजरात के सामने पेश कर रहा हूँ कि सादात बिल किराम आज से 200 साल पुरानी किताब के अंदर ये हवाला लिखते हैं कि एक मरतबा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत मां फातिमा ज़हरा तशरीफ लाती है। जब माँ फातिमा ज़हरा जो है माँ खातून जन्नत जब हुज़ूर की बारगाह में तशरीफ लाती है, पूछती है, ए अब्बा जान मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि मर्दों के अंदर सबसे पहले जन्नत में किसे दाखिल किया जाएगा, मर्दों में सबसे पहले जन्नत में कौन दाखिल होगा। हजरत माँ फातिमा ज़हरा का जब ये पूछ रहा था आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए मेरी रहते-ए-जिगर फातिमा मर्दों में सबसे पहले मैं जन्नत के अंदर दाखिल होगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मर्दों में सबसे पहले मैं जन्नत में जाऊंगा। उसके बाद माँ खातून जन्नत जो है आप पूछती है अपने बाबा जान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अब्बा जान आप मुझे बताएं कि फिर औरतों में सबसे पहले जन्नत में किसे दाखिल किया जाएगा, औरतों में सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा। आप हजरात इस बात को गौर से सुनिएगा कि माँ खातून जन्नत की शान और अज़मत क्या है। जब माँ खातून जन्नत ने पूछा कि हुज़ूर बताइए, अब्बा जान बताइए कि औरतों के अंदर सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा, जब बस इतना पूछना था आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपने बेटे अपने लफ्ज़ जिगर से कहते हैं कि ए फातिमा औरतों में सबसे पहले जन्नत के अंदर इमरान की बेटी मरियम को दाखिल किया जाएगा, इमरान की बेटी मरियम जाएगी। इतना सुनना था माँ खातून जन्नत जो है खामोश हो जाती है, मायूस हो जाती है। जैसे ही आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मेरी लफ्ज़ जिगर फातिमा मेरा जिगर का टुकड़ा वो मायूस हो गई है, वो जो है खामोश हो गई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बेटी फातिमा क्या बात है कि तुम क्यों मायूस हो गई हो। हुज़ूर हज़रत फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि अर्ज़ करती है, फरमाती है बाबा जान मैं ये सोच रही थी कि जब मैंने आपसे पूछा कि मर्दों में सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा तो आपने जो है बताया कि सबसे पहले मैं जाऊंगा, तो मैं ये सोच रही थी कि आप जब मैं पूछो कि औरतों में सबसे पहले जन्नत में किसे दाखिल किया जाएगा, सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा, तो मैं ये सोच रही थी कि आप जो है मेरा नाम लेंगे, लेकिन आपने हजरत इमरान की बेटी मरियम का नाम लिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये बेटी सुन कि जन्नत में बेशक सबसे पहले दाखिल होने वाली औरत मरियम होगी, लेकिन इस शान से दाखिल हो जाएगी कि तुम्हें जिस सवारी के ऊपर सवार किया जाएगा, जिस सवारी के ऊपर तुम्हें बिठाया जाएगा, उस सवारी की नकेल, उस सवारी की रस्सी पकड़ करके मरियम दाखिल होगी जिस सवारी के ऊपर तुम्हें बिठाया होगा। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सैयदाए कायनात की शान और अज़मत ये है कि जिस सवारी के ऊपर उन्हें बिठाया जाएगा हजरत मरियम जो है उसकी नकेल पकड़कर जन्नत के अंदर दाखिल होगी। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो ये पंचतन पाक अलैहिस्सलाम की शान है। अभी तो हमने सिर्फ मौला अली मुश्किल गुशा और मां खातून जन्नत की ही जो है उनके ही बारे में थोड़ी सी बातें की। इंशाअल्लाह आइंदा कल जो है हसनैन करीमैन इमाम हसन पाक इमाम हुसैन पाक और मौला गाफिर पाक समंदार और इनके अलावा इंशाअल्लाह दूसरे अहले बैत अतहार की निशान जो है इंशाअल्लाह बयान करने की कोशिश की जाएगी। लिहाजा आप हजरात से गुजारिश है कि आप हजरात कल के भी प्रोग्राम में ज्यादा से ज्यादा आप खुद भी आए, अपने दोस्तों अहबाब को भी साथ लाए और ज्यादा से ज्यादा फवाइद हासिल करें। अल्लाह ताला की बारगाह में यही दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको सच्चा पक्का मोमिन बनाए, हमें हुसैनी बनाए और आपका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और आपका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से सच्ची और पक्की मोहब्बत करने की नेक तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल-बलाग। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माह मुहर्रम हर मोमिन के दिल को तड़पा जाए है, जिक्र हुसैनी करके हर एक मोमिन रोता जाए है, जिक्र हुसैनी करके हर एक मोमिन रोता जाए है। कैसा है ये, कैसा है ये सब्र का मकाम, आपको सलाम, आपको सलाम। या हुसैन इब्ने अली कहते हैं ये सारे गुलाम, सब गुलाम आपको सलाम, आपको सलाम, आपको सलाम। जिनकी पेशानी का बोसा प्यारे नबी फरमाते थे, जिनकी पेशानी का बोसा प्यारे नबी फरमाते थे, बचपन में जिब्रील अमी भी झूला झूलाने आते थे, बचपन में जिब्रील अमी भी झूला झूलाने आते थे। वो है नवासा, वो है नवासा खैरुल अनाम, आपको सलाम, आपको सलाम। या हुसैन इब्ने अली कहते हैं ये सारे गुलाम, सब गुलाम आपको सलाम, आपको सलाम, आपको सलाम। जबर के आगे सब्र खड़ा था, जबर के आगे सब्र खड़ा था, जुल्म सितम को रोक कर, जिनको हुआ दीदार खुदा का खंजर की उस नोक पर, जिनको हुआ दीदार खुदा का खंजर की उस नोक पर। देखो शहीदों, देखो शहीदों का है ये मकाम, आपको सलाम, आपको सलाम। या हुसैन इब्ने अली, या हुसैन इब्ने अली कहते हैं ये सारे गुलाम, सब गुलाम आपको सलाम, आपको सलाम, आपको सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यिदी या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वला हम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू वतक़य्यतहुम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामु अलल मुरसलीन वलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल-फातिहा। तमाम हज़रात एक बार दुरूद पाक, एक बार सूरह फातिहा तीन बार सूरह इखलास और आखिर में तीन बार दुरूद पाक पढ़ें। की हाज़िरों को क़बूल मक़बूल अता फरमा। मालिक गफ़ूर रहीम मौला चौधरी बड़ा दस्तहाद और उसमें ज़रूर न्याज़ साहदिया। सबसे पहले तेरे प्यारे हबीब जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाह नाफिदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसवना में साहदिया पेश करता हूं। उसे क़बूल मक़बूल अता फरमा। रब करीम साहद नबी पाक के तमाम अज़वाज मुतहहरा तमाम औलाद पाक वजद पाक दार इमाम शुदा मौसवी तमाम अहले बैत अतहार की बारगाह में मौला साहदिया पेश करता हूं। उसे क़बूल मक़बूल तमाम गरीब नवाज और तमाम औलिया और साहिब मज़ार की बारगाह में मौला साहब पेश करता हूं।